पीपल, दिस इज अपर्णा एंड आई एम बैक विद अनदर टैरो रीडिंग वीडियो फॉर यू गाइस। आज का वीडियो जो होने वाला है वो एकदम ऑन पॉइंट है करंट फीलिंग्स ऑफ योर लवर। आपके लवर जो है, चाहे आप सेपरेशन में हो, एक साथ हो, एनीथिंग, उनका करंट फीलिंग क्या है आपके प्रति, वो हम देखने वाले हैं। आपके प्रति क्या फील कर रहे हैं, अपने आसपास के प्रति क्या फील कर रहे हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनको याद आती है या नहीं, या फिर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये ज्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग से। ओके, कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, पर रीडिंग शुरू करने से पहले एक बार रिमाइंड करना चाहती हूँ, मेरा चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स जो है वो 30 जनवरी से शुरू हो रहा है, 30 जनवरी से शुरू हो रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एनरोल कर सकते हो। फीस जो है वो है 600 रुपीज। 7 चक्रास के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको बैलेंस कैसे करना है, इम्बैलेंस्ड है तो क्या है, ओवर एक्टिव है तो क्या है, सिम्बल्स, फिर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसेंशियल ऑयल्स कौन से यूज करने चाहिए, मुद्रा कौन सी, मेडिटेशन के लिए कैसे बैठना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें इन डिटेल सिखाई जाएंगी। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 30 जनवरी से शुरू हो रहा है, सिर्फ 7 डेज का कोर्स है एंड 600 रुपीज फीस है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग। आपके लवर की करंट फीलिंग्स क्या है ये हम देखेंगे आज। कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, सो अपनी आंखें बंद कीजिए, आपके लवर का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके आपके प्रति क्या करंट फीलिंग्स है, ये जानने के लिए उनके बारे में सोचिए, फोकस कीजिए उनके चेहरे पे। ओके, काफी सारे कार्ड्स गिरे हैं, लेट्स सी, नीचे गिरे हुए हैं, 5 of Swords वी हैव, ओके, 2 of Cups, पेज ऑफ कप्स, अमेजिंग, कप कार्ड्स है तो प्यार दिखाई देता है फॉर श्योर। ओके, और देखते हैं अगर कुछ आता है तो। ओके, ओके, काफी सारे कार्ड्स है, ये नहीं लेते, और कुछ है तो देखते हैं हम लोग। अपनी लवर की एनर्जीज जो है वो उन पे फोकस करने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में सोचिए। ओके, काफी सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, शायद इतने ही हैं, हम दूसरे डेक से भी ले लेते हैं, कुछ और एनर्जीज अगर दिखाई देती हैं तो वो हम देख लेंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स। ओके, वी हैव टेम्परेंस, अमेजिंग, ओके, 2 कार्ड्स आए, हर्मिट एंड चैरियट, दोनों ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो आपके एक लवर जो है उनकी एनर्जीज जो दिखाई देती है, समवेयर एक ईगो उनमें दिखाई देता है। ओके, मैं एकदम प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन डिटेल्स। फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है वो डेफिनेटली प्यार दिखाई देता है आपके लिए, प्यार आपके रिलेशनशिप के प्रति उनको याद आती है। ओके, एक दोनों का जो आपका फिजिकल लव को भी मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली फिजिकल लव को भी मिस कर रहे हैं, बट साथ ही मेंटल जो आप दोनों का गिव एंड टेक था, जिस तरह से आप उनको सपोर्ट करते थे, जिस तरह से आप उनकी परेशानियों को हैंडल करते थे, जिस तरह से आप उनको समझते थे, उनकी बातें सुनते थे, और उसके बाद यू नो उनका उनका जो है हायर बेनिफिट ध्यान में रख के आप जो डिसीजंस लेने में उनको उनकी हेल्प करते थे, उसको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। आपके साथ सब कुछ शेयर करना मिस कर रहे हैं, आपसे प्यार भरी बातें मिस कर रहे हैं, आपसे साथ ही मैं कहूंगी थोड़ा हद तक फिजिकल लव भी मिस कर रहे हैं। ओके, एक कनेक्शन जो है वो मिस कर रहे हैं आपके साथ, आपको समवेयर मैसेज करने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, आपका मैसेज आने के लिए, या फिर उनका आप मैसेज करो या फिर वो मैसेज करे, वहां से कुछ उसके अंदर डिबेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं मैसेज करूं या नहीं करूं। ये मैसेज करने का एक बेताबी मुझे उनके अंदर दिखाई देती है, एक बेचैनी उनके अंदर दिखाई दे रही है मुझे। मैसेज तो डेफिनेटली करना चाह रहे हैं, समवेयर एक
कुछ कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो आपसे के आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. शायद रिसेंटली उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है या फिर कुछ बुरा हुआ है, कुछ न्यूज़ है बड़ी उनके पास और वो आपको बताना चाहते हैं समवेयर. आपको शायद किसी और के थ्रू वो न्यूज़ पता चल भी गई होगी. हो सकता है कि आपको पता चल गया है कि उनके लाइफ में एक न्यूज़ है, वो क्या चल रहा है, बट वो खुद बताना चाहते हैं आपको, वो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आपको, ये दिखाई देता है, मैसेज करना चाहते हैं. बेसिकली कॉल से भी ज़्यादा मुझे मैसेज के वाइब्स आ रहे हैं, मैसेज करना चाहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जैसे भी. साथ ही करंट फीलिंग्स में उनके ये भी दिखाई देता है कि स्टॉक कर रहे हैं आपको. डेफिनेटली आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बातें करते हैं, नजर रखे हुए हैं आपके ऊपर, आपकी अचीवमेंट्स, आपके फेलियर, उस पर भी नजर रखे हुए हैं बहुत डीपली. ये भी दिखाई देता है फॉर श्योर. एक चीज जो है इनमें, मैसेज तो करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट तो करना चाहते हैं, पर बहुत ईगो है इस इंसान में, ये दिखाई देता है. अभी फिलहाल में उनकी जिंदगी में क्या है इसके बारे में सोच रहे हैं. ओके, बाकी लोगों के बारे में, बाकी लोगों के फीलिंग्स को कंसिडर उतना नहीं कर रहे हैं. ओके, उनके लाइफ में एक अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट बन के आपकी जिंदगी में क्यों आता है ये भी मैं बताती हूँ. अगर आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी के फीलिंग्स भी अभी आपके पार्टनर कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ अपने फीलिंग पे फोकस कर रहे हैं और उनके फीलिंग में आप हो. ओके, यानी कि आप पे, आपके रिलेशनशिप के ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं. थर्ड पार्टी की भी अगर बहुत बात मानते थे, बहुत मैनिपुलेट कर रही थी थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी की भी बातों को आपके पार्टनर जो है टालना शुरू कर दिए हैं. उनको उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, खुद की प्रायोरिटीज, खुद को अब एक ऊपर रख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, विच इज़ गुड. पर इस इंसान में थोड़ा बहुत मुझे ईगो एटीट्यूड का इशू डेफिनेटली दिखाई देता है. ओके, और एक चीज़ जो दिखाई देती है कि ये अभी मूव करने की कोशिश कर रहे हैं. शायद अगर फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, थर्ड पार्टी अगर थी जिंदगी में तो थर्ड पार्टी से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, या फिर किसी बुरी मेमोरी से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बुरे इंसिडेंट से, किसी बुरे इंसान से, कोई ऐसी जिंदगी में उनका जो बुरा था उनके लिए, उस इंसान से, उस सिचुएशन से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाई देता है. इस वक्त में आपके पार्टनर को काफी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी है, ये दिखाई देता है. अगर आपको रेजोनेट होता है ये पॉइंट कि आपके पार्टनर जो है उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक एक करके ये हैंडल किए जा रहे हैं या फिर उनसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, झटक के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है गाइस कि हमारी जिंदगी में बिना बात की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जो हमें रिस्पॉन्सिबल उस चीज के लिए होने की जरूरत भी नहीं होती, पर फिर भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अनवांटेड बर्डन्स हमारी जिंदगी में आ जाते हैं. तो उससे दूर होते हुए मुझे आपके पार्टनर डेफिनेटली दिखाई देता है, मूव कर रहे हैं. हो सकता है कि हम करंट सिचुएशन भी जानने की कोशिश कर रहे हैं उनकी, तो ये भी डेफिनेटली दिखाई देता है कि उनका फिलहाल में हो सकता है जॉब में शिफ्ट हो रहा हो, या फिर घर शिफ्ट कर रहे हो, या फिर एक ट्रस्टेड इंसान जो था जिंदगी में उनसे धोखा मिला है और उनसे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, मूव करने की कोशिश कर रहे हैं. ये मूव ऑन करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, पर आपसे नहीं, ये मैं कह सकती हूँ किसी और से, या फिर किसी और सिचुएशन से, किसी और जगह से, ये भी हो सकता है. कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं. ओके, आपकी कमी उनको इतनी हद तक सता रही है कि उनको अभी अकेलापन महसूस हो रहा है. ओके, आपके साथ, मैं तो ये कहूंगी कि आपके साथ थे तब आपकी कदर नहीं कर रहे थे, और अभी जब दूर हुए हुए हैं तो डेफिनेटली आपको मिस करते हैं. अभी आप याद आने लगे हो, उनको ऐसा लगा है कि सब कुछ खो गया, सब कुछ छूट गया. ये इंसान जो है, दिस पर्सन मैं डेफिनेटली कहूंगी कि टू स्टबर्न टू एडमिट, ये बहुत स्टबर्न है ये मानने के लिए कि भाई मेरी लाइफ में दिक्कत है, या फिर मुझे अगर मेरे पार्टनर को मैं मेरे जिंदगी में वापस ले आता हूँ तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. ये एडमिट नहीं करना चाहते, ये मानना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है. पर अकेलापन फील हो रहा है, लोनलीनेस फील हो रहा है, वो एक तड़प दिखाई देती है. ओके, तरस रहे हैं समवेयर, ये दिखाई देता है फॉर श्योर. डेफिनेटली आपके पार्टनर मुझे दिखाई देता है क्या खोया है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ओके, नए अपॉर्चुनिटीज उनके जिंदगी में आएंगे, अभी भी आपके साथ रिश्ता जो है वो फिक्स कर सकते हैं, ये मानना आपके पार्टनर ने छोड़ दिया है. समवेयर ये, जैसे मैं कह रही थी, स्टबर्न तो एनर्जीज दिखाई देती हैं, पर ये भी दिखाई देता है कि अभी
ये मानना नहीं चाह रहे हैं कि एक एक चांस अगर मैं दूं इस रिलेशनशिप को तो ये रिलेशनशिप बेटर बन सकता है. ये डरते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं दिमाग में, जैसे मैं कह रही हूं ना, दिमाग में फिक्स कर लिया है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ एंड हो गया है, अभी मैं कुछ भी करूं मेरे से ये फिक्स नहीं होने वाला या फिर ये रिलेशनशिप फिक्स नहीं होने वाला. पर आप उनके सपने में आ रहे हो, सपना भी रीसेंट सपना जो इन्होंने देखा है उसमें आप डेफिनेटली थे और आप और वो एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी रहे थे. और ये सपना जब से उनको आया हुआ है, ये जब ये विजुअलाइज जब उनको हुआ है, तब से आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये डेफिनेटली मुझे सेंस है इस रीडिंग से. अगेन एक तड़प मुझे दिखाई दे रही है, एक अंदर आग जल रही है ये दिखाई दे रहा है, समवेयर तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, पर उसके साथ साथ ही बहुत बैलेंस दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ, मैं तो बहुत सही हूँ, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आपको इनका पेन, एक्चुअली खुद का पेन दिखा नहीं रहे हैं. अगर दिखाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एक बार में आप भी और वो भी फ्री हो जाएंगे. पर ये इंसान, जैसे मैं कह रही हूँ, थोड़े स्टबर्न एनर्जीज मुझे दिखाई देते हैं इस इंसान के, और थोड़ा टाइम लगेगा इस इंसान को एडमिट करने के लिए ये चीज़ कि आपको मिस कर रहे हैं. पर इस रीडिंग से तो डेफिनेटली श्योर हो जाता है कि आपको मिस कर रहे हैं फॉर श्योर. ओके, सो ये था रीडिंग गाइस, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर. अगर आपको ऐसे छोटे ऑन पॉइंट वीडियोस पसंद है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाती रहूंगी. मुझे सजेशन दीजिए किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, उस टॉपिक पे मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टूडेज वीडियो. चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स जो है वो 30 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो जरूर ज्वाइन करना, 600 रुपीज ओनली. ओके, बाहर आपको कहीं भी इतने सस्ते में कोर्स ये नहीं मिलेगा, सो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा. सर्टिफिकेशन भी मिलेगा कंप्लीशन का. साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ. बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टूडेज रीडिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे ब्लेस्ड.